नमस्कार फ्रेंड, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ शोल्डर लाइन, नेक लाइन और आर्म होल की कटिंग सिखाने वाली, कॉलर वाले जो आउटफिट होते हैं उनके लिए, जैसे कॉलर वाले ब्लाउज बना रहे हैं, कॉलर वाले सूट बना रहे हैं। सिंपल सूट की कटिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको कॉलर वाले कुर्तों की या कॉलर वाले जो ब्लाउज हैं उसमें हमें कटिंग कैसे करनी है वो सब बताना चाहती हूँ। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ जाइए। नए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास मेजरमेंट मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे हमें लेना है इसमें शोल्डर 14 यानी कंधे 14, सीना 32 और कमर 28, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी बना रही हूँ और बाकी जो मेजरमेंट आपका हो हम उसके अकॉर्डिंग लेते जाएंगे। ये कॉलर वाला है, कॉलर वाले के लिए हम लोग जो लेते हैं उसमें लेना है हमें कंधे का आधा प्लस 1 इंच कट, जैसे कंधे हमारे पास 14 थे तो उसका आधा होता है 7 और हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे 8 इंच। हम 1 इंच क्यों प्लस करेंगे, आधा इंच मार्जिन का और आधा इंच ज़्यादा। आर्म होल के लिए हम लोग फ्रेंड्स इसी लाइन को नीचे लेके आते हैं, इसमें लिखते हैं हम कंधे का आधा प्लस आधा इंच, यानी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंधे का आधा प्लस आधा इंच करना है हमें और यहाँ पे कंधे का आधा प्लस 1 इंच करना है, यहाँ 7 + 1 = 8 करना है और यहाँ 7 + 1/2 = 7.5 करना है। यहाँ से हम लोगों को वही जैसे 32 है तो 8 और 2 = 10 इंच लेंगे हम लोग, और यहाँ से कमर 27 है तो 28 तो 7 और 2 = 9 इंच ले लेंगे हम लोग। ये तो फ्रेंड्स कुर्ते में या ब्लाउज में जो भी लेना है नीचे का लेना है। अब हम इसमें नेक के लिए आएंगे, कॉलर के लिए हमें जो गले की चौड़ाई है वो हमेशा लेनी है 2.5 इंच और जो लंबाई लेनी है वो 3 इंच, चाहे हम छोटा कॉलर बना रहे हैं या बड़ा बना रहे हैं उसमें हमें 3 इंच ही लेनी पड़ती है। 3 इंच पर हमें हल्का सा वी शेप देना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप एक वी नेक बना देना इस तरीके से, फिर इस लाइन का सेंटर पॉइंट लेके ये आधे इंच की लाइन हम भार लेंगे और इस तरीके से आप इस पर गोलाई दे देना। ये हमारा फ्रंट नेक होगा। बैक नेक फ्रेंड्स कॉलर में जो निकलता है वो हमेशा सिर्फ आधा इंच का निकलता है और आधे इंच की भी शेप इस तरीके से आती है, ज़्यादा डीप नहीं आती है, यानी ये चौड़ाई है 2.5, लंबाई है 3 इंच और पीछे का गला है हमारा सिर्फ 1/2 इंच का। ये वी शेप है, इसमें हम लोग 1/2 इंच लेंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग आर्म होल पे। सबसे पहले आधे इंच की हम लोग यहाँ से शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये आधा इंच शोल्डर की कटिंग हम लोग नेक से इस तरीके से मिलाते हुए करेंगे ये। अब हम आर्म होल के लिए आएंगे। ये 1/2 इंच की हमने तिरछी कटिंग करी। ये कॉलर में बहुत कंपलसरी होती है, कई लोग सूटों में नहीं करते हैं लेकिन ये बहुत कंपलसरी होती है कॉलर वाले में करने के लिए। अगर कॉलर में ऐसा नहीं करेंगे तो फिट नहीं बैठता है। बाकी जो लंबाई बची है ये हमारे पास 7 है, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे 3.5। 3.5 पे ये जो गोलाई है वो हम लोगों को फ्रेंड्स आधा इंच ये लेनी है हमको बाहर की ओर, आधा इंच बाहर की ओर लेके पहले हम लोग इसकी बाहर की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हम लोग आर्म होल की गोलाई दे देंगे और इसको हम लोगों को 1/4 इंच अंदर की ओर लेना है इसको, क्योंकि कॉलर है, कॉलर में हमने शोल्डर ज़्यादा ले रखे हैं इसीलिए हम लोगों को इसको 1/2 इंच ज़्यादा गोलाई देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग गोलाई देंगे। ये 1/2 इंच आपका बाहर की ओर है और ये 3/4 इंच आपका अंदर की ओर आएगा। यानी एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ, जो भी कॉलर वाला गला बनाना है हमको उसके लिए हमें कंधे ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें कंधे का आधा प्लस 1 इंच करते हैं और जो लंबाई लेते हैं उसमें आर्म होल के लिए कंधे का आधा प्लस आधा इंच इसमें प्लस करते हैं, यानी यहाँ से हमने 8 लिया है तो यहाँ से नीचे हमने 7.5 लिया है। आर्म होल की गोलाई के लिए हम लोग पीछे की ओर आधा इंच बाहर की ओर लेके बाहर की गोलाई देंगे और 1/4 इंच हम अंदर लेके अंदर की ओर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने शोल्डर ज़्यादा लिए हैं इसीलिए हम लोगों को आर्म होल की गोलाई भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। दूसरा, हम लोग यहाँ जो गला बनाने वाले हैं, जो गला बनता है कॉलर में हमेशा हल्का सा वी शेप में लोगे, वी पे हल्का सा राउंड लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा बैठता है, तो हम 2.5 इंच चौड़ाई लेते हैं इसकी और 3 इंच हम इसकी लंबाई लेते हैं। 1/2 इंच हम लोग इसमें पीछे का गला देते हैं, तो पीछे के गले की भी आप इस तरीके से देखेंगे कि हम लोग ये शेप ही देंगे और कुछ ज़्यादा नहीं देंगे। और यहाँ से 1/2 इंच कटिंग करना हमारी ये कटिंग
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कॉलर में करना ज़रूरी होती है। अगर हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं तो कॉलर वाले जो सूट होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर खींचने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको दो टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आप जो मेजरमेंट लेते हो, अगर आप किसी के कुर्ते को, कॉलर वाले कुर्ते को ही नाप के मेजरमेंट लेते हो, तब तो आप इसमें कंधे का आधा प्लस आधा इंच कर देना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ज़्यादा लिया हुआ रहता है। और अगर आप किसी के खुद का मेजरमेंट लेके करते हो, सेकंड टिप से आपका कि अगर आप किसी के कुर्ते खुद को मेजर करके लेते हो, जब मेजरमेंट लेते हो उसका, तो उसमें आपको जैसे अगर किसी के शोल्डर आ रहे हैं 15, तो उसमें 1 प्लस कर देना 16, फिर उसका हाफ हो जाएगा 8 प्लस आधा इंच उसमें और हम लोग प्लस कर देंगे। यानी अगर हम किसी को मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें कंधे का आधा प्लस 1 इंच करना है, लेकिन अगर किसी के कॉलर वाले कुर्ते से नाप ले रहे हैं तब उसमें सिर्फ हमको आधा इंच ही प्लस करना है। फ्रेंड्स, आप इसकी कटिंग कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीप नेक में आर्म होल, नेक लाइन, शोल्डर लाइन की कटिंग किस प्रकार करनी है ये सब आपको सिखाने वाली हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, इस तरह सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।